नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी रोडिया चैनल को आपको स्वागत करुँचे। फ्रेंड्स, आज वीडियो में देखिए बेस्ट करंट अफेयर्स एमसीक्यू लास्ट 6 मंथ यहाँ हूँ आपंकर पार्ट टू। पार्ट वन ऑलरेडी आप डिस्कशन कर सारी, जो मैंने देखी ना आप OCCC पीओ एंड जे रो गोटे प्ले लिस्ट रही सीटी आपको मिलजिए, ना आम करंट अफेयर्स गोटे प्ले लिस्ट रही मंथली एंड विकली से आपको मिल जाव। तेज आज वीडियो में डिटेल्स आलोचना करा लास्ट 6 मंथ रही अपॉइंटमेंट्स एंड हुच हु किए के इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हेड अच्छा एंड जो इंस्टीट्यूशंस गुड़िक रही है तरह हेडक्वार्टर कौन रही सब डिटेल्स आलोचना करा, जोटा कि आपको आगे आसवा OCCC OSSC एंड OPSC एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट। जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम भी प्रिपेरेशन करते तेज यहाँ आपको हेल्पफुल हो। तेज डेरी नक चलो आरंभ करवा क्लास। पार्ट टू फर्स्ट क्वेश्चन देखते कौन रही है, हू हाज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ OECD। OECD मुख्य अर्थशास्त्री भाव में किए निजुक्त हेले, तो ऑप्शन देखते कौन रही है, गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन, क्लेयर लंबोर्डेली एंड नन ऑफ द अबव। तो देखते फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होती ऑप्शन सी, क्लियर लंबोर्डेली। जब आम OECD विषय में आलोचना करवा, OECD संपूर्ण नाम होती ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और जो OECD रही है तरह हेडक्वार्टर आपको निश्चित रूप पचार दबा, जब एमती भी आपको पचार दी पारे, क्लियर लंबोर्डेली हाज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ OECD एंड व्वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ OECD लोकेटेड। तो आपका आंसर हम फ्रांसर पेरिस। ठीक अच्छे, तेज ये टाइप आपंकर क्वेश्चन आसो जमी है। एंड मुझे कह चाहिए, जब आपको भिडियो भल लगुच एंड आगुरी जो भिडियो आम अपलोड करते जब भल लगुच निश्चित रूप लाइक करेंगे और फ्रेंड मैं सहित सेयर करेंगे। आदि आगे अन्य टॉपिक पर भिडियो चाहते निश्चित रूप कमेंट कर जनइबे। तेज चलो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हाज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड चेयरमैन भाव में किए निजुक्त होती निम्नलिखित मान थ्रु। ऑप्शन देखते कौन रही है, अश्विनी वैष्णव, सुरेंद्र चावला, अनिल कुमार लाहोटी, सिद्धार्थ शर्मा। तो मान थ्रु कौन हम करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होती अनिल कुमार लाहोटी, मैंने ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। देखो समल भाई बी पटेल, सामल भाई बी पटेल ऑप्शन में ना कि आपको जनदेव, सामल भाई बी पटेल अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ अमूल। अमूल जो आप जानते, अमूल विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट आसूल कंपनी तेज तार जे कि चेयरमैन किए निजुक्त होते सामल भाई बी पटेल। नेक्स्ट आप देखिए ये आप ऑप्शन अच्छे सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ शर्मा कौन निजुक्त होती कौन ना सीए सीईओ भाव में टाटा ट्रस्टर सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निजुक्त होती। तो आपको क्वेश्चन भी आसी पाए से आपको एड कर दी, सिद्धार्थ शर्मा टाटा ट्रस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निजुक्त होती। से हीपरी आपंकर सुरेंद्र चावला जे कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाव में निजुक्त होती, कहार ना पेटीएम पेमेंट बैंक्र, पेटीएम पेमेंट्स बैंक्र मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी एंड सीईओ किए होती सुरेंद्र चावला। सेमती आपंकर नेक्स्ट रही किए ना जहाँ विषय में डिस्कसन कर रेलवे बोर्ड चेयरमैन किए निजुक्त होती ना सी होती अनिल कुमार लाहोटी जिकि रेलवे बोर्ड चेयरमैन निजुक्त होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु हाज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ NCBC। तेज NCBC चेयरपर्सन भाव में किए निजुक्त होती, ऑप्शन देखते कौन रही, संजय कुमार, हंसराज गंगराम आहिर, राजीव कुमार, संबित पात्र। तो मैं कहूँ फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होती आपंकर ऑप्शन बी, हंसराज गंग्राम आहिर, मैंने ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर। जब आम NCBC विषय आलोचना करा, NCBC संपूर्ण नाम होती नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मैंने पछुआ वर्ग पर नेशनल कमिशन। तेज यह आपंकर 1993 मसीह मैंने संगठित होता फर्म होता क्रिएट होता एंड के मिनिस्टर अंडर ये आपको रही है, मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एंड ऑप्शन बी हूँ यार करेक्ट आंसर, हंसराज गंग्राम आहिर जेकि NCBC चेयरपर्सन भाव में निजुक्त होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु हाज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड विषय में आप समस्त जानते हैं कृषि पर लोन देता है, तेज नाबार्ड चेयरमैन भाव में किए निजुक्त होते निम्नलिखित मानते, ऑप्शन देखते कौन रही, अरविंद झा, आनंद शर्मा, साजी के वी एंड ऑप्शन डी हूँ नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स देखो ये आपंकर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर, साजी के वी। नाबार्ड विषय में जब आम आलोचना करा, नाबार्ड फुल फॉर्म निश्चित भाव में मन रखे दरकार पड़े एग्जाम में पचार दे पाए OCCC एग्जाम, कारण 10th ग्रेड्र भी एग्जाम क्वेश्चन आसो। तो देखो कौन रही है, नाबार्ड फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फॉर्मड इन 1982। ये आपंकर 1982 मसीह फॉर्म होता एंड यार हेडक्वार्टर होती कौटी ना मुंबई में। एंड ये आपंकर के मिनिस्टर अंडर जाए, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अंडर एंड ऑप्शन 3 हूँ यार करेक्ट आंसर, जोटा कि साजी के वी होती जेकि चेयरमैन भाव निजुक्त होती नाबार्ड्र। नाबार्ड्र फुल फॉर्म कौन, नेशनल बार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु हाज बीन अपॉइंटेड एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 50th CJI भाव में किए निजुक्त होती, ऑप्शन देखते आपने जानते बर्तमान बहुत चर्चा से अच्छा भारत में। तो ऑप्शन देखते कौन रही, यूवी ललित, दीपक मिश्र, DY चंद्रचूड एंड रंगनाथ मिश्र। तो मैं कहूँ कौन हम करेक्ट आंसर ना फ्रेंड्स, आपने समस्त जानते ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर, DY चंद्रचूड, जस्टिस धनंजय
जसवंत चंद्रचूड़। तो आपणकर डी वाई चंद्रचूड़ हूँ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। तो जदि आम डिटेल्स आलोचना करवा, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ हाज बीन अपॉइंटेड एज द फिफ्थ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ही अज्यूम द ऑफिस ऑन 9th November 2022। नवेम्बर 9 से 2022 नवेम्बर 9 से तांकर दायित्व ग्रहण करते सुप्रीम कोर्ट 50तम चीफ जस्टिस भाव में। एंड से क्या रिप्लेस करते मैंने क्या बदले से जॉइन करते क्या जगह UU ललित, UU ललित जी कि 50तम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भाव में आगुरी कार्य करते। एंड चीफ जस्टिस क्या द्वारा निजुक्त होती ना से प्रेसिडेंट ही निजुक्त करता चीफ जस्टिस को भल समान रखे। ये आप एग्जाम क्वेश्चन आसे भारत जो मुख्य विचारपति सुप्रीम कोर्ट रही किए निजुक्ति निजुक्ति अपॉइंटमेंट करते अपॉइंट करते प्रेसिडेंट। एंड ये कहा माने क्यों आर्टिकल अंडर रे चीफ जस्टिस नियुक्त होता है आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर रे से अपॉइंटमेंट दे था प्रेसिडेंट। एंड आपणकर जो चीफ जस्टिस रहले तांकर 65 पर्यंत से रहिपरिबे चीफ जस्टिस भाबरे। एंड प्रथम चीफ जस्टिस किए थे भारत जो सुप्रीम कोर्ट थी प्रथम चीफ जस्टिस किए थे ना HJ कानिया। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु हाज बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ अ लॉ कमिशन। तेज लॉ कमिशन चेयरपर्सन भाव में निम्नलिखित मान किए निजुक्त हेले तो देखते ऑप्शन कौन रही एन बी रमन्ना ऋतुराज अवस्थी रंजन गोगोई उर्जित पटेल। तेज कौन हम करेक्ट आंसर तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन बी ऋतुराज अवस्थी। डिटेल्स जब आम आलोचना करवा लॉ कमिशन मैंने कौन लॉ कमिशन ऑफ इंडिया फाउंड फर्स्ट टाइम इन 1834 तेज प्रथम थर पर 1834 मसीह लॉ कमिशन गठन कर सेकेंड टाइम के सेकेंड टाइम जो होता है इंडिपेंडेंट इंडिया होता फर्स्ट टाइम केत 1955 मसीह कौन पर गठन कर इट इज एन एडवाइजरी बॉडी टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तेज जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस रही आईन एंड जो मंत्रालय रही आईन मंत्रालय हूँ गोटे एडवाइजरी बॉडी। एंड जो यार चेयरमैन भाव में किए निजुक्त हेले ना ऋतुराज अवस्थी 22तम चेयरमैन अटंती। ठीक अच्छे तेज आपर एमती भी क्वेश्चन पचारे इंडिपेंडेंट इंडिया के लॉ कमिशन गठन होता एंड से 1955 एंड फास्ट आपर होता बिफोर इंडिपेंडेंट प्री इंडिपेंडेंस टाइम 1834 मन से मैंने भल कि मन रखिए ऋतुराज अवस्थी जी कि चेयरपर्सन लॉ कमिशन नियुक्त होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु हाज बीन अपॉइंटेड एज 10th चेयरमैन ऑफ इसरो। तेज इसरोर 10तम चेयरमैन अध्यक्ष भाव में किए निजुक्त हेल्ले मन कदर तो देखो ऑप्शन कौन रही एस सोमनाथ एम राधाकृष्णन संजय कुमार के शिवन। तो के शिवन विषय आप जानते किंतु वर्तमान के शिवन नहांती तो आंसर ऑप्शन ए एस सोमनाथ। ठीक अच्छे इसरो विषय जब आलोचना करेंगे इसरोर संपूर्ण नाम होती इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये आपर 1969 मसीह प्रतिष्ठा कराइला एंड हेडक्वार्टर होती इसरोर बेंगलुरु। एंड एस सोमनाथ जी कि रॉकेट साइंटिस्ट अटंती सी वर्तमान अपॉइंटेड होती एज द 10th चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। एंड ही अल्सो बिकम द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रही स्पेस रो जो डिपार्टमेंट रही तार से सेक्रेटरी भाव में निजुक्त होती तो आप मैंने भलसे मन रखिए ए सोमनाथ को नहीं कि दुईटा क्वेश्चन आप पचार जा पारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रो किए अच्छा सेक्रेटरी तो आपको आंसर हम ए सोमनाथ। एंड ता सहित चेयरमैन ऑफ इसरो ए सोमनाथ एंड 10th चेयरमैन ऑफ इसरो भी पचार दे पारे तो ए सोमनाथ भी आपको हम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी आप जानते यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन जो थी आपको यूपीएससी एग्जाम देखिए पे आईएस आईपीएस आईएफएस होता तो आईएएस भी होता तो ये देखूँ चेयरमैन किए निजुक्त हेले तो ऑप्शन देखते कौन रही है राकेश टिकायत मनोज सोनी विकास दिव्यकृति अनुपम रॉय। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर अच्छे आपर मनोज सोनी मैंने ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन र। यूपीएससी संपूर्ण नाम फुल फॉर्म होती यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन जी गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सांविधानिक मानने अंग अटे अटे मानने बॉडी अटे देन एंड द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर जो चेयरमैन निजुक्ति होती प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते एंड जो जी अपॉइंट होता चेयरमैन भाव यूपीएससी कार्यकाल 6 वर्ष कि 65 वर्ष जोटा एलियो जोटा आगे आसला मन करते जो कंप्लीट करदे 6 वर्ष तो करें जब 65 वर्ष हो जाव 6 वर्ष कंप्लीट कर 3 वर्ष कार्यकाल सर बेलूर 65 होगा तो से रिटायर हो पारे। एंड मनोज सोनी होकर चेयरमैन जी कि यूपीएससी चेयरमैन भाव में निजुक्त होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, जदि भिडियो भल लगे निश्चित लाइक करेंगे एंड फ्रेंड मैं सहित सेयर करेंगे जो मैंने प्रिपेरेसन करते ओएसएससी सीजीएल ओपीएससी एंड O3S एग्जाम सब एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट कारण आप देखते हैं करेन्ट अफेयर्स जोटा कि करेन्ट इवेंट भाव में सब एग्जाम सिलेबस मैंने इनक्लूडेड होगी आसूँ एंड 10 रु 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आसूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, हु हाज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया। तेज मुख्य निर्वाचन अधिकारी किए निजुक्त होती ऑप्शन देखते रंजन सोनी अशोक ढोलकिया अशोक झा राजीव कुमार।
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी राजीव कुमार। नेक्स्ट देखो डिटेल्स जब आलोचना करेंगे राजीव कुमार अपॉइंटेड एज 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यहाँ भी भलसे मन रखिए आप पचार दे पारे राजीव कुमार हाज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हिज से पचार दे पारे आपंकर से केतम चीफ इलेक्शन कमिशनर निजुक्त होती तो आपंकर पचार दे पारे तो आप भलसे मन रखिए 25th 25तम एंड देखो आर्टिकल 324 सेज अबाउट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तो आपंकर एमती भी पचार दे पारे व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तो आपका आंसर हम आर्टिकल 324। देन देखो ये फ्रेंड्स ये इट कनसीस्ट ऑफ वन चीफ इलेक्शन कमिशनर एंड इट्स टू अदर इलेक्शन कमिशनर आप जानते हैं गोटे चीफ इलेक्शन कमिशनर रहे दुई जन इलेक्शन कमिशनर रहे तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिशनर होते हैं राजीव कुमार आ बाकी जो दुई जन रहे इलेक्शन कमिशनर जब आप जानते कमेंट बक्स में कमेंट करके जनातु मन अच्छे ना नहीं आपंकर एंड देखो ऑल इलेक्शन कमिशनर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इलेक्शन कमिशनर जितने रही चीफ हूँ कि बाकी खाली जो दुज इलेक्शन कमिशनर से क्या द्वारा निजुक्त होती प्रेसिडेंट ही निजुक्त करते एंड आम प्रथम इलेक्शन कमिशनर किए थे फर्स्ट इलेक्शन कमिशनर वाज सुकुमार सेन यहाँ भी मन रखिए स्ट्राटेजिक पचारदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द्रौपदी मुर्मू हाज बिकेम द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू केतम भारत राष्ट्रपति भाव मैंने इलेक्टेड हेले तो देखो ऑप्शन कौन रही 14th, 15th, 17th एंड 10th तो देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर हम आपंकर 15th द्रौपदी मुर्मू हाज बिकम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट ट्राइबल जी सांताल ट्राइब रु एंड सेकंड वोमेन आफ्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रतिभा देवी सिंह फर्स्ट मैंने प्रेसिडेंट थे जी वोमेन पर सेकेंड किए ना द्रौपदी मुर्मू एंड से फर्स्ट ट्राइबल जी सांताल ट्राइब रु एंड सेकेंड वोमेन आफ्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सी बिलंग्स टू द पार्ट ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु हाज बीन इलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैंने 14तम उपराष्ट्रपति भाव किए निजुक्त थे भारत तो देखो ऑप्शन कौन रही अमिताभ कांत वेंकैया नायडू द्रौपदी मुर्मू जगदीप धनखड़ द्रौपदी मुर्मू आप जानते 15तम राष्ट्रपति एंड 14तम उपराष्ट्रपति किए निजुक्त होते हैं जगदीप धनखड़ जी वेस्ट बेंगल पूर्व थे राज्यपाल तो देखो ये जगदीप धनखड़ हाज बीन इलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज फ्रॉम राजस्थान एंड वाज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बेंगल बिफोर। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा देखो कौन से क्वेश्चन जब कौन से प्रकार डाउट रोचे तेज निश्चित भाव कमेंट कर जन पारे हू हाज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ डीआरडीओ आपने जानते हैं डीआरडीओ संपूर्ण नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तेज तरह चेयरमैन भाव में किए मैंने निजुक्त होती ऑप्शन देखो कौन रही है जी सतीश रेड्डी परमेश्वरन समीर भी कामत के शिवन तो देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होती है समीर भी कामत मैंने ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन र डिटेल्स यदि आम आलोचना करवा समीर भी कामत इंडियान सैंटिस्ट अटेंट जी जी सतीश रेड्डी मैंने डॉक्टर जी सतीश रेड्डी आगे थे डीआरडीओ चेयरमैन रिप्लेस करके से बर्तमान चेयरमैन है डीआरडीओ डीआरडीओ संपूर्ण नाम होती है डिफेन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये आपको 1958 मसीह स्थापना कराइला एंड यार हेडक्वार्टर होती न्यू दिल्ली जी आसर मिनिस्टर ऑफ डिफेन्स प्रतिरक्षा मंत्रालय अंडर में आस डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हु हाज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सेबी सेबी को आपंकर या पर क्वेश्चन आसी जाए पारे कारण आपंकर रिसेंटली जो अदानी को लेकिन बहुत बड़ इश्यू होता है जेकि एल आई सी तार टाँगा लगे बुड़ी जाए कह जाता तो से रिलेटेड आपंकर क्वेश्चन भी आसी पारे करेंट इवेंट्रे तो चेयरपर्सन बर्तमान सेबी रखी जी सेबी रेगुलेट करा कथा विषय तो ऑप्शन देखो अंकिता जैन माधवी पुरी बुज गीता गोपीनाथ सुप्रिया सेनाट तो ऑप्शन फ्रेंड्स क्वेश्चन कौन हम करेक्ट आंसर माधवी पुरी बुज तो ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर। सेबी रो संपूर्ण नाम होची सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आर हेडक्वार्टर होची मुंबई एंड ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर ये लिखा है ऑप्शन ए किंतु ये आपंकर भूल अच्छी आपंकर माधवी पूर्वज मैं ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एंड देखते फ्रेंड्स यार पीडीएफ आपको मैंने सीरीज कंप्लीट होगापर आप टेलीग्राम चैनल में मिल जाव स्टडी एडुटी आप टेलीग्राम सर्च कर पारे मैं चैनल ना आपको लिंक में आप क्लिक करके चैनल विजिट करेंगे आप जो चैनल रही है यूट्यूब चैनल से लिंक मिल जाए डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु हाज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ रो प्रेसिडेंट भाव में किए निजुक्त होते हैं मैं देखो ऑप्शन कौन रही अशोक कुमार जोसेफ रेड्डी टी राजकुमार एंड नन ऑफ द अबव ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होती है फ्रेंड्स ऑप्शन सी टी राजकुमार। देखो फ्रेंड्स एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स व्हिच इज एन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी जो रही तार प्रेसिडेंट भाव में किए निजुक्त हुए टी राजकुमार आउ ये आपंकर केबे प्रतिष्ठा होता है 1989 मसीह यार हेडक्वार्टर होती फ्रांस और पेरिस एज ओ ट्री राजकुमार जी प्रेसिडेंट बर्तमान भाव निजुक्त हेले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु हाज बीन नेम्ड एज द प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरोज आदित्य एल वन मिशन
तेबे इसरो तरफ गोटे आदित्य एल1 मिशन करा जाइतला तार प्रिंसिपल साइंटिस्ट मुख्य वैज्ञानिक भाव किए नामित होती। तो ऑप्शन देखो संजय कुमार, एसके सूरी, आनंद सिंह, शंकर सुब्रमण्यम। तो कौन हम करेक्ट आंसर जब जानते कमेंट करें। तो देखो फ्रेंड्स आम जब डिटेल्स आलोचना करवा आदित्य एल1 इंडिया फर्स्ट मिशन टू स्टडी सोलार सन एटमॉस्फेयर डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय इसरो व्हिच इज विल बी लॉन्च्ड इन 2023। तेज आर कौन हम करेक्ट आंसर मैंने किए इसरो आदित्य एल1 मिशन को मिशन प्रिंसिपल साइंटिस्ट भाव में नामित होती। तो आप कमेंट करके जनइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु हाज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीडीएस तेज चीफ डिफेंस स्टाफ भाव में किए निजुक्त होती। तो ऑप्शन देखो मनोज पांडे, आर हरिकुमार, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, विवेक राम चौधरी। तो कौन हम करेक्ट आंसर ना फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगी आप लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान मैंने ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर जी न्यू सीडीएस मैंने सेकंड सीडीएस भाव में निजुक्त होती भारतर। तो आपको कहते चाहिए सीडीएस मैंने कौन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हुई द मिलिट्री हेड ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। दि पोजिशन पोस्ट आप अनाउंस पे डॉक्टर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 15 अगस्त 2019 2019 15 अगस्त पोस्ट को मैंने अनाउंस करते नरेंद्र मोदी। देन आपको कहते चाहिए फास्ट सीडीएस जो थी आपंकर जनरल विपिन रावत जी की मृत्युवरण करते प्लेन क्रैश से तमिलनाडु गोटे प्लेन क्रैश होता है सीटी से मृत्युवरण करते तेज ताकि सेकेंड टाइम पर किए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भलसे मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु हाज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तेज इंडियन नेशनल कांग्रेस नुआ प्रेसिडेंट भाव में किए मान अपॉइंटेड हेले। तो ऑप्शन देखो कौन रही शशि थरूर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर देखो फ्रेंड्स ऑप्शन डी जे कि मल्लिकार्जुन खड़गे मैंने बहु वर्ष पर जेकि नन मानने गांधी फैमिली जड़े होती प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे हाज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय रिप्लेसिंग सोनिया गांधी। सोनिया गांधी आप पूर्व थे एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर 1885 एट बॉम्बे बॉम्बे टाइम ही प्रतिष्ठा कराइला एंड क्या द्वारा प्रतिष्ठा होता है आपंक क्वेश्चन भी आसपे आप एग्जाम स्टार्टिंग जिके रे जे इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय होम। तो आपंकर आंसर हम आलान ऑक्टेवियन ह्यूम। देन आपंकर पचारि पारे हु आज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपंकर आंसर हम डब्ल्यू सी बनर्जी जहाँ संपूर्ण नाम होगी उमेश चंद्र बनर्जी यहाँ मन रखिए। पिला बहुत कन्फ्यूज हो जाते आलन ऑक्टेवियन ह्यूम एंड उमेश चंद्र बनर्जी भितर। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज उमेश चंद्र बनर्जी एंड जो आपंकर फाउंडेड होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस से करते आलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक अच्छे तो आपको कह चाहिए ये आपंकर जो रे फर्स्ट सेशन भी आपंकर पचारि पारे इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 फर्स्ट टाइम पर फाउंडेड होता देन तरह फर्स्ट सेशन केमटी अनुषित होता। तो आपका आंसर हम बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु हाज बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल जहाँ को हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बड़ आईन अधिकारी कह जाए तेज एम किए निजुक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भाव में। तो ऑप्शन देखो मुकुल रोहतगी, आर हरिकुमार, के वेणुगोपाल, तुषार मेहता। तो कह करेक्ट आंसर देखते क्वेश्चन तो आर वेंकटरमन। तो ये ऑप्शन आपंकर नाटा मैंने मेनसन कराएनि यहाँ मिस्टेक रही जेकि न्यू अटर्नी जनरल भाव में निजुक्त होती इंडिया भलसे मन रखे आर वेंकटरमणि। आर वेंकटरमणि हाज बीन अपॉइंटेड एज हाज बिकम द न्यू अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया एंड अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके तो आपको कहवाक चाहिए एडवोकेट जनरल अच्छी अटर्नी जनरल अच्छी। तो अटर्नी जनरल जी इंडिया रा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर अटे एंड एडवोकेट जनरल जी से स्टेट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर अटें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु हाज बिकम द न्यू G20 शेरपा तेज आपंकर ये भी क्वेश्चन आसो किए नुआ G20 शेरपा है। तो ऑप्शन देखो ये आंसर हो अमिताभ कांत जी की नीति आयोग आपंकर अच्छा G20 शेरपा देखो कौन ना यहाँ हूँ रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ इंडिया टू प्रिपेयर समिट। ठीक अच्छे समिट प्रिपेयर करने रिप्रेजेंटेटिव हेड अच्छा जी अमिताभ कांत अटेंट। G20 वाज फाउंडेड इन 1919 1999 मसीह G20 आपंकर फाउंडेड होता एंड व्हिच कंटेन्स 19 कंट्रीज 19 देश रही मेंबर एंड यूरोपियन यूनियन भी तांगे रही एंड जो 18वां G20 समिट होती ये आप इंडिया बर्तमान 2023 रोचे एंड यार लोगो हूँ कौन लोटस भलसे मन रखिए जो पचारे 18th G20 समिट जो इंडिया अनुषित होती तार लोगो कौन तार लोटस एंड तार जो थीम रही कौन ना वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर किसी आप कहे वसुधैव कुटुंबकम। ठीक अच्छे आउ 2022 किए करता जो G20 समिट मीट किए करता इंडोनेशिया कर 2024 किए कर ब्राजिल कर मीट। ठीक अच्छे 2023 इंडिया कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु हाज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन
तेज भारत तरफ नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएनरे किए हेले तो ऑप्शन देखते कौन रही रुचिरा कंबोज आलोक झा टीएस तिरुमूर्ति नन अफ दि अबव तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए रुचिरा कंबोज भलसे मन रखिए यहाँ हूँ नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन आगुरी टीएस तिरुमूर्ति रुचिरा कंबोज को निजुक्त कराई परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया टू द यूएन तो देखते रुचिरा कंबोज जी टीएस तिरुमूर्ति को ये करते यूनाइटेड नेशंस विषय जब आम आलोचना करवा यह आप 1945 मसीह प्रतिष्ठा कराइला एंड हेडक्वार्टर हूँ न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ न्यूयॉर्क एंड यार सेक्रेटरी जनरल बर्तन अच्छा एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु बिकेम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तबे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रो नुवा मुख्य अर्थशास्त्री किए निजुक्त होले तो ऑप्शन देखते पियर ओलिवर गोरेंचास गीता गोपीनाथ उर्जित पटेल नन अफ दि अबव तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पियर ओलिवर गोरेंचास जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रो नुवा चीफ इकोनॉमिस्ट मुख्य अर्थशास्त्री निजुक्त होले। तो जदि आम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विषय आलोचना करवा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जी 1945 मसीह प्रतिष्ठा करा जाइतला यार हेडक्वार्टर हूँ वाशिंगटन डीसी एंड पियर ओलिवर गोरेंचास हाज बिकम द चीफ इकोनॉमिस्ट बाय रिप्लेसिंग गीता गोपीनाथ। ओके गीता गोपीनाथ हाज बिकम द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तेज फर्स्ट टाइम गोटे पोस्ट क्रिएट कराई जी गीता गोपीनाथ से रहिले जी कि फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपंकर क्वेश्चन भी आसाई पारे हु हाज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो आपका आंसर हम गीता गोपीनाथ एंड आपड़ आंसर लिखिदेवे चीफ इकोनॉमिस्ट कारण से आगुरी थे रिप्लेस कर पियर ओलिवर गोरेंचास को निजुक्त कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु हाज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा तेज नालसार एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भाव में क्या निजुक्त कर देखते ऑप्शन कौन रही डी वाई चंद्रचूड़ एन बी रमन्ना यू ललित एंड नन अफ दि अबव तो देखते फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगी आम बर्तमान जो 50वां सीजेआई अच्छा डी वाई चंद्रचूड़ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भाव में नालसार निजुक्त कर नालसार संपूर्ण नाम कौन ना नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक अच्छे तेरे यह आप 1995 प्रतिष्ठा करा जाइतला जी कि क्या अंडर ना लीगल सर्विसेस अथॉरिटीज एक्ट 1987 अंडर आउ ये जो गठन करवा क्रिएट कर उद्देश्य कौन था ना पर्पज ऑफ इट्स क्रिएशन वाज टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेस टू वीकर सेक्शंस तो वीकर सेक्शंस मानक फ्री लीगल सर्विसेस प्रोवाइड करने यहाँ क्रिएट कर तो बर्तमान यार एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किए अपॉइंटेड होती धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी कि डी वाई चंद्रचूड़ बर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई तो बीसीसीआई जो रही तार नुआ प्रेसिडेंट किए निजुक्त होती ऑप्शन देखते सौरभ गांगुली अमित शाह रोजर बिनी एम एस धोनी तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगी रोजर बिनी मैंने ऑप्शन सी होगी करेक्ट आंसर। बीसीसीआई संपूर्ण नाम होगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ये आप 1928 मसीह मैंने प्रतिष्ठा कर तार हेडक्वार्टर हूँ मुंबई एंड बर्तमान सेक्रेटरी अच्छा जयसा एंड प्रेसिडेंट अच्छा रोजर बिनी जहाँ विषय में बर्तमान क्वेश्चन आलोचना करुचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हु हाज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एफआईएच प्रेसिडेंट तो एफआईएच नुआ प्रेसिडेंट भाव में किए निजुक्त होती ऑप्शन देखते रोजर बिनी जावेद मियादात टीम कुक तायब इक्राम तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी तायब इक्राम। एफआईएच फुलफर्म हूँ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ये आप 1924 मसीह प्रतिष्ठा कराइला तार हेडक्वार्टर हूँ स्विट्जरलैंड एंड तायब इक्राम जी कि तार प्रेसिडेंट भाव में निजुक्त होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हु हाज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एनएचएआई एनएचएआई चेयरमैन भाव में निम्नलिखित मानक क्या निजुक्त कर ऑप्शन देखते संतोष कुमार यादव एके सुद अंजलि श्रीवास्तव ऑप्शन डी नन अफ दि अबव तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगी आपंकर संतोष कुमार यादव एनएचएआई संपूर्ण नाम हो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई जो कि आप 1995 प्रतिष्ठा होता एंड यार हेडक्वार्टर हूँ न्यू दिल्ली के मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ऑफ एमओआरटी एंड एच मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अंडर एक कराइला मतलब मन रखिए संतोष कुमार यादव जी कि चेयरमैन भाव निजुक्त हेले एनएचएआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हु हाज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चांसलर ऑफ गतिशक्ति यूनिवर्सिटी तेज गतिशक्ति यूनिवर्सिटी एवं रिसेंटली क्रिएट कराई तेज तार फर्स्ट चांसलर किए निजुक्त हेले मानक तो ऑप्शन देखते समीर चौधरी बजरंग पुनिया अश्विनी वैष्णव पीयूष गोयल ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगी फ्रेंड्स अश्विनी वैष्णव जी कि रेलवे मिनिस्टर बर्तन अच्छा सीए बर्तमान गतिशक्ति यूनिवर्सिटी फर्स्ट चांसलर भाव में निजुक्त होती। अश्विनी वैष्णव हाज बिकम द फर्स्ट चांसलर गतिशक्ति यूनिवर्सिटी इज इन भदोदरा गुजरात गुजरात भदोदरा थे गतिशक्ति यूनिवर्सिटी एस्टाब्लीश कर। सो फ्रेंड्स ये आपंकर
जो अपॉइंटमेंट्स एंड हु जूर पार्ट टू एंड ये हूँ आप लास्ट 6 मंथ जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट बछा बछा क्वेश्चन ये क्वेश्चन जमीन आप क्वेश्चन आसपार अच्छे मैंने आसव आपन को सीजीएल हूँ कि OEEE POJE जो एक्जाम प्रिपेरेशन किंवा OPSC आगे जो एक्जाम आसमें जमीन थोड़ा क्वेश्चन आसा कथा आसो जब आपको भिडियो भल लगी निश्चित लाइक करेंगे फ्रेंड मैं सहित सेयर करेंगे जो मैंने प्रिपेरेशन करते कंप्लीट एक्जाम थैंक्स फॉर वाचिंग बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग ग्रुप एक्जाम्स टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।